अब चलिए इन पे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला एरर। देखिए कई तरह के एरर होते हैं फॉर्मूला में, जैसे कि हमने लगा दिया कि नीम का एरर आ गया, हमने इसको किसी जीरो से डिवाइड किया तो डीआईवी का एरर आ गया, ऐसे एनए का एरर आता है। तो सारे एरर के यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है एरर टाइप, उसमें सारे एरर का लिस्ट आया कि एक्सेल में किस तरह के एरर्स आपको मिलते हैं। अब इस एरर्स को समझ जाइए। सबसे पहले आपका एरर जो है वो नल का है, तो नल का जो एरर आता है एज पर बुक दिया हुआ है कि दिस एरर वैल्यू मींस द फॉर्मूला यूज एंड इंटरसेक्शंस ऑफ टू रेंज देन डोंट इंटरसेक्ट। लेकिन जहां तक मैं इसका यूज किया हूं तो मुझे क्या हुआ है, जैसे हम लोग डेटाबेस और बहुत सी चीजों से जब डेटा इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे ब्लैंक वैल्यू होती है, तो उस ब्लैंक वैल्यू को यहाँ नल के ऊपर आता है। और जो बुक में दिया गया है ये भी सेम चीज है कि जब हम दो रेंज को इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है, इंटरसेक्ट नहीं होता है, तो नल का एरर आता है। डीआईवी का एरर आता है जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो डीआईवी का एरर आता है। अगर हम बात करें इसमें वैल्यू का, तो वैल्यू का जो एरर आता है वो वैल्यू का एरर आता है एज पर यहां पे इसमें लिखा हुआ है कि दिस एरर वैल्यू मींस दैट यूज योर फॉर्मूला यूज द रॉन्ग डेटा टाइप फॉर द ऑपरेशंस। मतलब जो इनपुट इसको चाहिए आपने वो इनपुट इसको नहीं दिया है तभी ये एरर दिया है। वैल्यू रेफरेंस का एरर होता है कि जो आपने रेफरेंस सिलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए कि मैंने ए ए को सिलेक्ट कर लिया, बाद में मैंने कॉलन ए को डिलीट कर दिया, तो जो रेफरेंस हमने दिया है और रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और डिलीट हो गया है या गलत है तो वहां पे आपको आरएफ का एरर आएगा। नेम का एरर कब आता है कि आपने ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई रेफरेंस आपने एंटर कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, टाइपिंग मिस्टेक हो, या हो सकता है कि आपने अपर वर्जन का फॉर्मूला लोअर वर्जन में रख दिया हो तो आपको इस तरह के एरर दिखेंगे। नेम का एरर मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक या फिर वो फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो नेम का आता है। नम की बात करें तो नम का आता है जैसे कि यहां पे कि आपने जो आर्गुमेंट दिया हो इनवैलिड है, वो नंबर ऑफ रिपीटेशन से ज्यादा है, मतलब कि उसको एक चाहिए था आपने दो बार दे दिया, या फिर कहीं से डेटा लुकअप कर रहा है वो उसको एक बार लुकअप करने से, डी गेट का फॉर्मूला में होता है कि डी गेट के फॉर्मूले में रिजल्ट जो आपने जो कंडीशन दिया वो सिंगल होना चाहिए, अगर डबल हुआ तो नम का एरर आता है। एनए का एरर आता है कि किसी भी ये खासकर लुकअप फंक्शन में आता है, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स, ऐसे फॉर्मूले में होता है कि जो आपने डेटा फाइंड कर रहे हो वो डेटा अवेलेबल ही ना। अब इसमें एक आता है गेटिंग डेटा एरर। अब इसमें जो बुक में नहीं दिया हुआ है, ये आपका बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बता देता हूं, गेटिंग डेटा एरर मतलब क्या होता है कि आपने किसी डेटाबेस से, किसी वेबसाइट से आपने डेटा को इंपोर्ट किया हुआ है लेकिन इंपोर्ट नहीं हुआ, किसी कारण से कनेक्शन टूट गई, पासवर्ड गलत हो गया, फाइल मूव हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कनेक्शन नहीं है, तो यहां पे आपको एरर आएगा। सर ये मैं माफी चाहूंगा, मैं एरर के पहले नहीं जानता, डॉन्ट तो मतलब कोई एरर समझ में नहीं आया। हैश फील्ड का एरर आता है जब हम ये करते हैं पावर क्यूरी यूज करते हैं, उसमें कंडीशन गलत हो जाती है तो इसका एरर आता है। फिल्टर फॉर्मूले में भी एरर आता है, और शॉर्ट ये कैश का यूज आता है आपका शॉर्टिंग में, जब शॉर्टिंग कर रहे हो लेकिन शॉर्टिंग या कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इसका एरर दिखाता है। तो ये देखिए हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरर्स। आप एरर को समझ गए होंगे कि एक्सेल में किस तरह का एरर आता है और कब आता है, और जाहिर सी बात है इस एरर के वो रिमूव करना आपको, तो इसको आप कर दीजिए इफ एरर का,
एरर के जगह पे ब्लैंक दे देगा, कुछ नहीं देगा। मतलब इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला एरर दे रहा है उसको इस एरर के अंदर में डाल दीजिए।